मैं यानी कि रोशन शाह एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी फैमिली का, अपने फिटनेस का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी करने वाले हैं अपने 11th क्लास हिस्ट्री का मिड टर्म का जो सैंपल पेपर है, ये बहुत ही दमदार एकदम धासू सा सैंपल पेपर लेके आया हूं आप सभी के लिए। क्वेश्चन पेपर है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं और मिड टर्म के एग्जाम से पहले अगर इस पेपर को आप सॉल्व कर लेते हैं और आपको लगभग मतलब अधिकतर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने में सक्षम होंगे ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना एकदम से हाई हो जाएगा इस पेपर को सॉल्व करने के बाद। ठीक है जी, तो चलिए फिर फटाफट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कैसा है हमारा क्वेश्चन पेपर। देखो 11th क्लास में भाई आए हो, अभी तक आप लोगों को भाई आप मैथ पढ़ते थे, साइंस पढ़ते थे, है ना, SST में आप इतिहास को कभी कभी पढ़ा करते थे, कभी कभी गलती से पढ़ लिया, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लिया, लेकिन अब तो मेन सब्जेक्ट है तो अब तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। तो देखो सबसे पहले आपको ना ये हमारा मिड टर्म का पेपर है, देखो कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहूंगा, बहुत ही ध्यान से आप लोगों को बच्चों सुनना है, है ना। देखो जब हम पेपर के पैटर्न की बात करते हैं, अभी तक आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5 मार्क्स वाले लॉन्ग क्वेश्चन को देखते थे, लेकिन अब 8 मार्क्स में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इतने लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को हमें कैसे करना होगा, किस तरीके से हम पेपर को अटेम्प्ट करते हैं कि हमें मतलब 8 मार्क्स वाले को ऐसे लिखे कि हमें पूरे 8 नंबर मिल जाए, है ना, किसी 3 मार्क्स वाले को हम किस तरीके से लिखे कि हमें पूरे 3 मार्क्स मिल जाए। तो इस तरीके से ये पेपर आप करने के बाद ये सारी चीजें भी आप जान पाएंगे कि किस क्वेश्चन में हमें कितना आंसर डिलीवर करना है, क्या डिलीवर करना है, सब कुछ पता चलेगा। तो बस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, बने रहो और चीजों को सीखते रहो। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा पेपर के पैटर्न की। तो 80 नंबर का इतिहास का एग्जाम होता है आपका, 3 घंटे का रहेगा, है ना जी, 3 घंटे का समय दिया जाता है आप लोगों को। और सबसे पहले हम बात करें तो टोटल हमारा जो पेपर होगा वो 5 खंडों में डिवाइडेड होगा और 34 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। सेक्शन ए में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको 21 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये 1 मार्कर है, MCQ क्वेश्चन रहेगा, 21 MCQ आएगा आपके मिड टर्म में। और सेम पेपर का पैटर्न फाइनल में भी सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा। एक चीज और मैं बता दूं कि ये पिछले साल प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन पेपर है, लेकिन प्रीवियस ईयर में भी आपके मिड टर्म में 4 चैप्टर थे, इस साल भी 4 चैप्टर आ रहे हैं, है ना, और जो सिलेबस था सेम सिलेबस है इस साल का भी, तो कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी हमें अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो पूरे 100% यूजफुल सैंपल मतलब ये पेपर है आप सभी के लिए, 100% यूजफुल रहेगा। ठीक है जी, देखो MCQ हमने देख लिया 21 MCQ, उसके बाद आप देखेंगे सेक्शन बी में आ जाओ तो सेक्शन बी में आप देखेंगे कि 22 से लेकर 27 क्वेश्चन नंबर, ये 3 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर वाले हमारे क्वेश्चन होते हैं, 60 से 80 शब्दों में आपको इसका आंसर करना होता है, 60 से 80 शब्दों के बीच में आपको आंसर होना चाहिए। उसके बाद सेक्शन सी की बात करें तो 28 से लेके हमारे 30 तक ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं भाई। देखो हमारे 8 मार्क्स वाले टोटल कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 3 क्वेश्चन हो गए, लेकिन ये 3 क्वेश्चन सब पे भारी है भाई, 3 क्वेश्चन जो है वो सब पे भारी, ये 3 क्वेश्चन आप कर लो ना भाई, ये टोटल कितने हो गए, 24 नंबर का हो गया। और ऊपर वाला हमारे जो 3 मार्कर है वो 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 × 3 कर दो ना भाई, 18 हो गया। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो भाई यही हो गया ना, 24 नंबर का सेक्शन है हमारा ये, है ना, जो हमारा ये सेक्शन सी है 8 मार्कर वाले जो क्वेश्चन है पूरे 24 नंबर देके जाएंगे। 300 से 350 शब्द में आंसर लिखने होते हैं, बच्चों को पता नहीं है किस तरीके से आंसर करें कि हमें पूरे नंबर मिल जाए, बच्चों को पता नहीं है कि कितना लिखे कि पूरे नंबर मिल जाए। लेकिन भाई अब के बाद ये समस्या आपके मन में कभी नहीं आएगी, कोई डाउट कभी नहीं बचेगा कि भैया 8 नंबर वाले में क्या लिखना है, कितना लिखना है, सब बता दूंगा। इसके अलावा अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार रोशन शाह स्टडी पॉइंट की वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा, पूरा सिलेबस है करवाया हुआ है एनिमेशन के माध्यम से भी और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी, सिलेबस की वीडियो देख सकते हो। साथ ही साथ अभी मैंने मिड टर्म के लिए आपको कुछ वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिया है, जैसे कि आपको मैंने टॉप 25 क्वेश्चन दिया मैंने भाई, 90% क्वेश्चन जो आएंगे ना 3 मार्कर और 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो आएंगे ना इसी में से आने वाले हैं। इस वीडियो को जरूर देख लेना, टॉप 25 क्वेश्चन की वीडियो को जरूर देख लेना। साथ ही साथ मैप आपको 5 नंबर का मैप है, मैप में पूरे नंबर फिक्स करने हैं तो मैप की वीडियो देख लेना। MCQ की वीडियो बाकी रह गया है बस, MCQ मैं आपको लगभग 50 MCQ दूंगा और उसी में से बहुत सारे MCQ आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हाँ रोशन भैया जल्दी से जल्दी आप MCQ की वीडियो भी लेके आइए, सैंपल पेपर तो करवा ही दिया है आपने। अब देखो जब हम 8 मार्कर की बात कर लेते हैं, अगले सेक्शन की हम बात करें, सेक्शन डी की हम बात करें, तो यहाँ पे आपको ना 3 क्वेश्चन
जो 31, 32 और 33, ये क्वेश्चन आपके किस आधारित रहते हैं भाई, स्रोत आधारित क्वेश्चन होते हैं, है ना, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यानी कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि 12 नंबर फ्री के है, फ्री के 12 नंबर है, कहीं नहीं गया 12 नंबर भाई, उन बच्चों के लिए जो कि एकदम बेवकूफ है, कभी नहीं पढ़ते लेकिन पास हो सकते हैं इस 12 नंबर को लेके। 12 में से लगभग 10 या 9 नंबर, 9 से 10 नंबर का तो भाई इसी में मिल जाएगा आंसर, आपको अपने स्रोत में ही मिल जाएगा, बाकी थोड़ा सा दिमाग लगा के इधर उधर से आंसर लिख देना, पूरे 12 नंबर ले लेना, एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, आजो अगले सेक्शन की हम बात करते हैं। सेक्शन ई हमारा रहेगा मानचित्र आधारित रहेगा भैया, मानचित्र आधारित, पूरे 5 नंबर आपको मानचित्र में फिक्स करने हैं। पता है कि थोड़ा सा अटपटा सा मैप है 11 क्लास में, लेकिन मैप करवा रखा है, वीडियो देख लेना, सारे मैप करवाया हुआ है। ठीक है, तो ये पेपर का पैटर्न था, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ चुके हैं आपके पेपर का क्या पैटर्न रहेगा, है ना। जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाओगे तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, सेम टू सेम ऐसा ही पेपर का पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। आगे आ जाओ, अब सीधा हम पेपर को आप सॉल्व करेंगे एक एक करके। देखो आप सभी क्या कर सकते हो, अगर आपको एमसीक्यू का आंसर आपको पहले से पता होगा तो कमेंट बॉक्स में, मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और उसके बाद ईमानदारी से, ईमानदारी दिखाना मेरे दोस्त मेरे भाई, ईमानदारी क्या दिखाओगे कि 21 में से कितने एमसीक्यू आपके सही हुए लास्ट में कमेंट बॉक्स में। मैं जैसे 21 एमसीक्यू सॉल्व करवा दूंगा ना, उसके बाद आपसे मैं खुद पूछूंगा कि भाई 21 में से कितने सही करके आए हो, तो ईमानदारी से मतलब कर दे किए हो इस पेपर के 21 में से कितने सही किए हो कमेंट बॉक्स में मांगूंगा, बता देना। ठीक है, चलो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित चित्र को पहचानिए। अब चित्र ज्यादा साफ तो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कुछ कुछ दिख रहा है कि भाई हाँ यहाँ कुछ पिलर वगैरह है ना, इधर एक पुल सा बना हुआ है। ठीक है, पुल सा बना हुआ है, ये कुछ हमें दिख रहा है। तो ये देखो, ये है विशाल सेतु, ये विशाल सेतु का चित्र है भाई, ये रोमन साम्राज्य के इंजीनियर्स ने बनाया था इस सेतु को, पानी के मतलब आदान प्रदान के लिए, कहीं ना कहीं पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए इसको बनाया गया था। तो ये विशाल सेतु का चित्र है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी में देखो दृष्टि बाधित जो बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन दे रखा है कि एनमर्कर मेसोपोटामिया के किस नगर का शासक था, एनमर्कर कहाँ का शासक था भाई, तो आप सभी को पता है उरुक का शासक था, है ना, वो एनमर्कर और वो अरट्टा और उसके दूध की कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में। ठीक है, तो उरुक का राजा था। अब कई बच्चे उर लिख देते हैं, उर, अरे भैया उर अलग है और उरुक अलग है, दोनों अलग अलग जगह के अलग अलग शहर के नाम है। ठीक है जी, आप लोगों ने उरनगर के बारे में क्या पढ़ा है, इसमें नगर नियोजन पद्धति का अभाव था, है ना, गलियां बहुत टेढ़ी मेढ़ी थी, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा। उरुक एक अलग नगर है, तो दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए, दोनों अलग अलग नगर है। ठीक है जी, आगे आ जाओ बच्चों, आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई, मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस भाषा के शब्द से हुई है भाई, यूनानी भाषा के शब्द से हुई है। ठीक है, आप सभी को पता है कि यूनानी भाषा के 2 शब्द मेसोस और पोटामोस, है ना, मेसोस और पोटामोस नामक शब्द से बना है। मेसोस का मतलब क्या होता है, मध्य, पोटामोस का मतलब क्या होता है भैया, नदी, तो कौन सी नदी का, तो फरात और दजला, है ना जी, मेसोपोटामिया जो था वो फरात और दजला नदी के बीच का भूभाग था। तो ये आपका ऑप्शन जो आपका डी दे रखा है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको सही कथन को सिलेक्ट करना है। पहला दे रखा है कि मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोज 1740 के दशक में शुरू हुई, भैया 1740 तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, मतलब 40 पढ़ा है लेकिन 1740 नहीं पढ़ा भाई, 1740 तो नहीं है, 1840 में मेसोपोटामिया में जो पुरातात्विक जो खोज है, मतलब जो पुरातत्वीयता, जो पुरातत्वीयता है, उन्होंने यहाँ पे खनन करना शुरू किया होगा, किया था 1840 के दशक में। ये तो भाई पहला हो गया गलत। अब दूसरा देखो क्या दे रखा है कि यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, अरे भैया हम तो पढ़े हैं कि यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसको ये पूर्वजों की भूमि मानते थे, लेकिन ये तो भाई गलत दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, दोनों गलत है भाई। देखो ऑप्शन डी जो दे रखा है आपका सही है, दोनों कथन क्या है यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरे बताने से पहले इसका भी सही आंसर कर लिया होगा और कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है कि रोमन्स चांदी का सिक्का जिसे दिनारियस के नाम से जाना जाता था का वजन डैश विशुद्ध चांदी का होता था, है ना। देखो ये विशुद्ध चांदी का सिक्का है दिनारियस, एक सॉलिडस के बारे में आपने पढ़ा होगा, सॉलिडस, है ना जी,
सॉलिडस क्या था, ये सोने का सिक्का था, 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का था, लेकिन दिनारियस विशुद्ध चांदी का सिक्का था और इसका भी वजन कितना था, 4.5 ग्राम यानी कि 4.5 ग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 4.5 ग्राम आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी सीखने को मिल रही है और साथ साथ ये भी क्वेश्चन हो जा रहे हैं और इसके आसपास की चीजें भी होती जा रही है, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है ना भाई। इसी बात पे एक प्यार तो बनता है, एक प्यार भाई, मेरे को आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का प्यार चाहिए और आपको पता है कि वो प्यार कैसे देना है, प्यार दे दो भाई अपना बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मिलान करना है भाई, इसमें मिलान कैसे कैसे करोगे, देखो ऑगस्टस, तो ऑगस्टस का मिलान किस में जाएगा, प्रिंसिपेट, जो प्रिंसिपेट राज्य है 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस ने क्या किया था, अपना एक राज्य स्थापित किया था जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपेट बोलते हैं। उसके बाद है डायोक्लेशियन, भैया डायोक्लेशियन ने क्या किया था, तो प्रांतों का पुनर्गठन वगैरह करवाया, ये हमने पढ़ा है कि भाई इसने जो रोमन साम्राज्य का जो राजकीय ढांचा है उसमें बहुत कुछ बदलाव लाया था, जिसमें बहुत सारे प्रांतों का पुनर्गठन करवाया था। यहाँ पे 100 प्रांतों में साम्राज्य का पुनर्गठन, तो ये आपका डायोक्लेशियन के साथ चला जाएगा ए में, है ना। कॉन्स्टेंटाइन भाई साहब ने क्या किया, तो सॉलिडस सिक्का चलाया था, है ना। कॉन्स्टेंटाइन भाई साहब ने सॉलिडस नाम का सिक्का चलाया था, जो कि अभी आपको मैंने ऊपर ही बताया 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का था, ये शुद्ध सोने का, है ना। सॉलिडस हो गया हमारा, हो गया कॉन्स्टेंटाइन से मिल गया, जूलियस सीजर का मिला, तो भाई शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर का घोतक था, तो ये आपका इसमें चला जाएगा जूलियस सीजर का, मिला दो भाई मिला दो। पहले का जाएगा डी में, है ना, दूसरे का जाएगा ए में, पहले का डी का है भाई, पहले का डी में मिला दो, दूसरे का ए में मिला दो, तीसरे का बी में मिला दो और चौथे का सी में मिला दो। बिल्कुल भाई ऑप्शन बी हमारा क्या है यहाँ पे, एकदम सही आंसर हो जाएगा। जिस बच्चे ने भी ये बताया है, लगाया है, एकदम सही हो भाई, एकदम सही हो। चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे वाह क्या क्वेश्चन है, क्या मजेदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, कथन क्या दे रखा है कि उर मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई। बिल्कुल भाई ये बात बिल्कुल सही है, ये कथन तो बिल्कुल सही है। 1930 के दशक में उर नगर की बात हो रही है भाई, देखो यहाँ पे मेसोपोटामिया की बात नहीं हो रही है, मेसोपोटामिया की बात आएगी तो 1840 के दशक में पूरे मेसोपोटामिया में खुदाई हुई, लेकिन सिर्फ उर नगर की बात होगी तो यहाँ पे क्या होगा, 1930 के दशक में यहाँ पे सुव्यवस्थित ढंग से इस नगर की खुदाई की गई। ठीक है, अब देखो दूसरा कथन क्या दे रखा है कि पतली व घुमावदार गलियों तथा घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि उर नगर एक नियोजित नगर था। है क्या बोल रहा है भाई, उर नगर एक नियोजित नगर था, कहां पढ़ लिए तुम भाई, मतलब कहां पढ़ लिया भाई क्वेश्चन पेपर बनाने वालों ने कि उर नगर एक नियोजित नगर था, नहीं था, उर नगर एक अनियोजित नगर था, आप सभी को पता है, क्योंकि गलियां बहुत टेढ़ी मेढ़ी थी, इतनी पतली गलियां थी कि भाई पहियेदार वाहन जो है वो घरों तक नहीं पहुंच सकते थे, तो लोग अपने कंधे पे, मेरे जैसे बॉडी बिल्डर थे वहां पे, बॉडी वैसे अभी कम हो गई, मसल्स अभी कम हो गए, मेरे भाई सब थोड़े ज्यादा मोटे थे, अभी सर्दियों में फिर से बना लूंगा। देखो तो वहां पे क्या था कि मतलब पहियेदार वाहनों जो है उनको, पहियेदार वाहन घरों तक नहीं जा सकते थे, तो लोग कंधे पे सामान को लोड करके लेके जाते थे, या फिर गधे हैं ऊंट है उस पे लोड करके लेके जाते थे। तो इस तरीके से आपका ये जो है वो गलत है, केवल पहला कथन क्या है सही है, तो केवल पहला कथन सही है, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। अगला एकदम हलवा क्वेश्चन भाई, बनाओ और खाओ हलवा, एकदम हलवा आ गया है। देखो क्या है, तेमुजीन का प्रथम मित्र तथा प्रथम मित्र व विश्वसनीय साथी कौन था, तो आप सभी को पता है, बच्चे क्या बोलेंगे, यहाँ पे तो जम्मू का लगा है तो जम्मू का ही लगा देते हैं, नहीं मेरे बाबू गलत हो जाओगे, बोहू रचू है ना। तेमुजीन का प्रथम जो विश्वसनीय मित्र, वैसे सगा भाई था, मित्र भी था, लेकिन विश्वसनीय और प्रथम मित्र की बात करोगे ना तो बोहू रचू हर मुसीबत की घड़ी में हमेशा साथ रहता था, हमेशा साथ पकड़ के रखता था, ये मतलब हमेशा साथ देता था, यूं कह दो तो। ठीक है, तो ये बोगुरोचु है, आप बता दो आपके जीवन में, आपके लाइफ में बोगुरोचु कौन है, कमेंट बॉक्स में नाम बता सकते हो आप अपने सच्चे दोस्त का, सच्चे मित्र का, कि मेरा सच्चा मित्र, मेरा दोस्त, मेरी जान, मतलब
जान ही समझते हैं भाई, अपने सच्चे मित्र को हम अपना जान की तरह ही देखते हैं ना, तो कौन है नाम बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। चलो जी अगले हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आज मेसोपोटामिया निम्न में से किस देश गणराज्य का भाग है? इतना आसान कैसे क्वेश्चन दे सकते हैं यार, थोड़ा सा टफ तो दो, थोड़ा सा मजा आना चाहिए ना यार, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े बच्चों को। तो भाई इराक लगा दो, है ना। आज मेसोपोटामिया को हम किस देश के नाम से जानते हैं? इराक गणराज्य के नाम से जानते हैं। चलो जी अगला, रोमन साम्राज्य को उत्तम प्रकार की शराब कहां से मिलती थी? उत्तम प्रकार की जो शराब है वो कहां से प्राप्त होता था? तो कैंपेनिया से, कैंपेनिया एक प्रांत है, वहां से रोमन साम्राज्य को उच्च किस्म की जो शराब है वो मिलती थी। सिसिली की बात करूं तो सिसिली गेहूं के लिए, जो गेहूं है गेहूं के लिए फेमस थी, है ना। गैलीली की बात करूं तो गहन खेती होती थी यहाँ पे, गहन खेती समझते हो ना भाई, कम क्षेत्र में ज्यादा श्रमिकों का इस्तेमाल करके खेती होता है उसको हम गहन खेती बोलते हैं, गहन खेती होती थी। स्पेन की बात करूं तो स्पेन से क्या लाते थे? जैतून का तेल, जैतून है ना जी, जैतून का तेल लाया जाता था। तो ये सारी चीजें आपके काम की चीजें हैं, कुछ भी इसमें से पेपर में आ सकता है, कुछ भी। जो चार ही चीजें मैंने चारों जगह के नाम बताए हैं, चारों बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और क्या क्या रोमन वासी यहां से मंगाते थे ये भी मैंने आपको बता दिया है, कुछ भी आ सकता है भाई एमसीक्यू में। तो चारों का क्या महत्व था रोमन वासियों के लिए, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बर्बर शब्द का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब होता है भाई, बर्बर शब्द का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है? तो जो मार काट में विश्वास करे उनको हम बर्बर बोल देते हैं, लेकिन ये आंसर लिखोगे तो भाई नंबर नहीं मिलेगा। आपके बुक में दे रखा है गैर यूनानी लोग, गैर यूनानी लोग, है ना जी, गैर यूनानी लोगों के लिए बर्बर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। बस इतना आंसर है आपका, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बर्बर शब्द का मतलब होता है गैर यूनानी, जो यूनान के नहीं है उनके लिए गैर यूनानी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, या यूनानी भाषा जो नहीं बोलते हैं, ठीक है, उनके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये आपको सिलेक्ट करना है। देखो कथन क्या दे रखा है, चंगेज खान के विषय में सबसे प्राचीन विवरण, मंगोलों के गोपनीय इतिहास, है ना, मंगोलों के गोपनीय इतिहास जो मंगोल और चीनी भाषा में मिलते हैं, एक दूसरे से अलग है, ठीक है। मतलब कि जो चंगेज खान के जो शुरुआती विषय के बारे में जो जानकारी मिलता है ना, जो उनका इतिहास है मंगोलों के गोपनीय इतिहास, ये जो है ये चीनी भाषा में, मतलब मंगोल और चीनी भाषा में दोनों में एक दूसरे से अलग अलग है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये वाला जो आपका कथन है वो बिल्कुल सही कह रहा है ना। अगला क्या दे रखा है, मार्को पोलो जो कि इटली का एक यात्री था, मार्को पोलो, है ना, चाइना की खोज में इसका, चाइना के समुद्री मार्ग की खोज में इसका योगदान रहा मार्को पोलो का। तो मार्को पोलो द्वारा मंगोल दरबार का यात्रा वृतांत जो इतावली और लातिनी शब्द में उपलब्ध है, एक दूसरे से मेल नहीं खाते, ठीक है, जो इतावली और लातिनी दोनों भाषा में इसके जो वृतांत लिखे हुए हैं वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है, है ना। यहाँ पे दोनों कथन आपके सही दे रखे हैं, दोनों ही कथन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, ग्यारहवें का सही हो जाएगा। आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। अब यहाँ पे कुछ ना देश का नाम दे रखा है, यहाँ पे कुछ राजाओं के नाम दे रखे हैं, आपको मिलान करना है। तो देखो लुई सोलवे से लुई सोलवे के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये लुई सोलवा 15वां, है ना, 14वां, ये सब कहां से थे भैया, फ्रांस, फ्रांसीसी थे, ये सब फ्रांस के थे, फ्रांस से मिला लो। हेनरी सप्तक वगैरह वाले जो है ना, ये सारे हेनरी पेनरी, ये सब इंग्लैंड से थे, तो इंग्लैंड में मिला दो, ठीक है। उसके बाद रह गया आपका स्पेन, स्पेन का आपका जाएगा इसाबेला और फर्डिनेंड, ठीक है, फर्डिनेंड पढ़ेंगे भाई, नाम भी खतरनाक है। तो ये बी में चला जाएगा आपका, और आखिरी बचिया ए ऑस्ट्रेलिया, तो मैक्सिमिलन, ठीक है, मैक्सिमिलन आपका हो जाएगा इसमें, मैक्सिमिलन, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से मिला दो, ये मिलान हो जाएगा आपका, लगा दो भाई, लगा दो मोहर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, बी, बी के बाद, बी के बाद जाएगा सी, हाँ बी के बाद सी, उसके बाद जाएगा डी, और उसके बाद जाएगा ए, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप सभी का, ठीक है। तो जिन बच्चों ने भी ऑप्शन सी लगाया है बिल्कुल सही हो भाई, बजा दो ताली इसी बात पे, जिन बच्चों ने भी सही आंसर बताया है कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में। चलो आगे बढ़ जाते हैं, फ्रांस के शासकों का अपनी प्रजा के साथ जुड़ाव किस प्रथा के कारण था? किस प्रथा के कारण फ्रांस के जो शासक थे उनका अपनी प्रजा के साथ जुड़ाव होता था? तो वैसलेज नामक प्रथा के कारण, वैसलेज नामक प्रथा के कारण क्या होता था कि शासक जो है वो सबसे ऊपर है, शासक के नीचे बहुत सारे लॉर्ड नियुक्त किए गए हैं शासक के द्वारा, राजा के द्वारा,
लॉर्ड के नीचे कौन काम करते हैं? किसान, ठीक है, किसान। तो इस तरीके से वैसलेज नामक प्रथा काम करती थी। तो वैसलेज नामक प्रथा के कारण ही जुड़ाव होता था, ठीक है, फ्रांस के शासकों का अपनी प्रजा के साथ। अगला देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है? मेसोपोटामिया के नगरों की सामाजिक व्यवस्था के बारे में क्या सही है, मतलब क्या चीज यहां पे सही दे रखी है मेसोपोटामिया के सामाजिक, समाज के बारे में फोकस करने वाली चीज है भाई। एमसीक्यू जब करोगे ना तो हमेशा कोशिश करना कि क्वेश्चन को अपने ना दिमाग के ढक्कन को खोल के रखो। अगर दिमाग का ढक्कन खुला नहीं होगा ना, कान पकड़ रहा हूं मैं, मतलब दिमाग का ढक्कन जो एक खुला नहीं होगा ना तो गलत कर दोगे, आंसर मालूम होने के बावजूद भी गलत कर दोगे। और अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हो, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो तो सही करके आओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है मेरे दोस्त। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सामाजिक व्यवस्था के बारे में जो भी सही बात है वो बतानी है। कानूनी, देखो पहला क्या याद रखा है, कानूनी दस्तावेज से पता चलता है कि समाज में संयुक्त परिवार को ही आदर्श माना जाता था। अब संयुक्त परिवार का मतलब होता है जॉइंट फैमिली, जिसमें चाचा ताऊ है ना, सब एक साथ मिलके रहते हैं, तो उसको हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं, संयुक्त परिवार बोलते हैं। लेकिन मेसोपोटामिया में एकल परिवार, एकल परिवार का चलन था, आपसे वो पता है, मतलब माता पिता और बच्चे, बस माता पिता और बच्चे एक साथ रहते थे, चाचा ताऊ से कोई संबंध नहीं होता था, समझ रहे हो। तो ये आपका गलत हो गया, पहला तो गलत हो गया। पिता परिवार का मुखिया होता था, जी हाँ, पिता जो होता था परिवार का मुखिया होता था, सारे फैसले पिता द्वारा लिए जाते थे, बिल्कुल सही बोला इसने। पिता का घर, पशुधन, खेती उसके पुत्रों को मिलता था, है ना, जो पिता का जो भी चीजें वो उसके पुत्र को मिल जाता था, ये भी सही है कहीं ना कहीं। तो इसका आपका दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, पहला तो गलत है, दूसरा तीसरा यानी कि ऑप्शन बी भाई जो भी लगाए हैं बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन की तरफ चलो मेरे दोस्त। 15वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे रोमोत्तर राज्य नहीं कहा जाता है, कहा जा सकता है। रोमोत्तर राज्य का मतलब क्या है, रोमोत्तर राज्य का मतलब है कि जब रोमन साम्राज्य लगभग पतन होने के कगार पे आ गया, और आपको पता है कि जो जर्मनी मूल के जो जनजाति थे, है ना, जर्मनी मूल के बहुत सारे जनजातियों ने रोमन साम्राज्य पे हमला किए और उसके अलग अलग हिस्सों पे कब्जा करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उन एरियाओं को हमने रोमोत्तर राज्य का कहना शुरू कर दिया, जिसपे जो जर्मनी मूल के जनजातियों ने कब्जा किया। लेकिन कुछ एरिया ऐसे थे जो कि जिसपे इनका कब्जा नहीं हुआ, तो उसको हम रोमोत्तर राज्य नहीं कहेंगे, उसको हम रोमन साम्राज्य का पार्ट कहेंगे, है ना। तो देखो इसमें से कौन कौन सा रोमन रोमोत्तर राज्य, मतलब कौन सा रोमोत्तर राज्य नहीं है ये आपको बताना है। तो स्पेन में वैसी गोथों का राज्य, जो गोथ मतलब वैसी गोथ थे, ये भी आपका जर्मनी मूल की जनजाति है, तो इनका भाई ये तो रोमोत्तर राज्य था। गॉल में फ्रेंको का राज्य, तो ये भी रोमोत्तर राज्य था। उत्तरी अफ्रीका में सेंट ऑगस्टीन का राज्य, सेंट ऑगस्टीन का भाई राज्य जो था रोमन साम्राज्य का ही पार्ट था, रोमोत्तर राज्य इसको हम नहीं कहेंगे, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। और आखिर में इटली में लोवार्डो का राज्य, तो ये आपका रोमोत्तर राज्य का ही पार्ट है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ। सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ, सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ भाई, ये जो बच्चे ने आंसर लगा रखा है ना भाई, इसको सही मान के मत चलो तुम, मैं जो आंसर बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग चलना है आप सभी को, है ना। तो जो सामंतवाद का जो विकास है इंग्लैंड में हुआ, वो 11वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था जी, 11वीं सदी में हुआ था। आप सभी को पता है सामंतवादी व्यवस्था में जमीन का मालिक कौन होता था, लॉर्ड होता था, है ना, लॉर्ड यानी कि रोटी देने वाला, ठीक है। इसके नीचे होते थे किसान, किसानों का करता था लॉर्ड शोषण, है ना। तो ये चीजें आप पढ़ चुके हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। कथन और कारण, बच्चे हो जाते हैं परेशान, बच्चे हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को देख के हताश निराश, क्या आ गया ये, कैसे आ गया ये, इसको नहीं आना चाहिए था। लेकिन दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, कथन और कारण वाले दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। करना कैसे है, तो सबसे पहले कथन को पढ़ लेना है और ये देखना है कि कथन सही है या नहीं, फिर कारण को पढ़ लेना है, ये देख लेना है कि सही है या नहीं, फिर दोनों में रिलेशन को भी देखना है कि क्या दोनों में कोई रिलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या अभी कथन की व्याख्या कारण करता हुआ नजर आ रहा है या नहीं, फिर जाके आंसर देना होगा। चलो देखो मैं कैसे करता हूं। जिस ध्वनि के लिए किलाकार या कलाकार चिन्ह का, किलाकार होगा वैसे, है ना, तो किलाकार होगा, किलाक्षर या किलाकार बोलते हैं जिसको हम, किलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था लेकिन अक्षर होते थे,
है ना, मतलब कि जो किलाकार लिपि है ना उसमें जो जो भी मतलब चिन्ह प्रयोग में किए गए थे वो अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, लेकिन उसमें बहुत सारे चिन्ह होते थे, बहुत सारे चिन्ह। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक पढ़ा है तो आपको पता होगा ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है, अभी कथन बिल्कुल सही है। कारण क्या दे रखा है कि मेसोपोटामिया के लिपिकों को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। बिल्कुल भाई, सैकड़ों चिन्ह मेसोपोटामिया के लोगों को सीखने पड़ते थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन रिलेशन दोनों में बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। कारण मतलब जो है वो अभी कथन को सही से नहीं डिफाइंड कर दिया भाई, सही से व्याख्या नहीं कर दी है। तो है लेकिन दोनों सही, तो इस अकॉर्डिंग मैं जानना चाहूंगा कि अभी कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है अभी कथन की सही व्याख्या नहीं करती। ऑप्शन बी के साथ जाना चाहूंगा। ठीक है, ज्यादातर में ऑप्शन ए सही होता है, ज्यादातर अभी कथन और कारण में ऑप्शन ए सही देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पे हमारा कौन सा सही है, हमारा बी सही है। ठीक है, आ जाओ जी, फिर से मिलान करना है, फिर से मिलान करने वाला आ गया। आसान है लेकिन ये चंगेज खान जी के बारे में, चंगेज खान से तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पेपर में, बहुत सारे क्वेश्चन। देखो क्या दे रखा है, चंगेज खान का आरंभिक नाम, चंगेज खान का आरंभिक नाम क्या था भैया, तेमुजीन नाम था आरंभिक, है ना। चंगेज खान के पिता का नाम येसुजेई, उसका सगा भाई, सगा भाई कौन था, जम्मू का था, उसका प्रथम मित्र कौन था, बोगुरचू था। मिला दो भाई, मिला दो, पहले का बी जाएगा, पहले का बी जाएगा, दूसरे का ए जाएगा, है ना, तीसरे का उसका सगा भाई डी जाएगा, डी हाँ डी, और उसका प्रथम मित्र, और उसका प्रथम मित्र जो है वो आपका सी जाएगा, यानी कि आपका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही दे रखा है। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कथन कथन कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन आपको सेलेक्ट करना है। तो चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषकों से उनके उपज का दसवां भाग लेने का अधिकार था, जिसको तीथ कहते हैं। बिल्कुल भाई, तीथ कर आपको पता है ना, चर्च जो है वो किसानों से, है ना, उनके उपज का दसवां भाग लेता था, उसको हम तीथ कर बोलते हैं। तो ये भाई कथन बिल्कुल सही है पहला। तो दूसरा क्या दे रखा है, टैली एक प्रत्यक्ष कर था। बिल्कुल, टैली एक प्रत्यक्ष कर था जिसे राजा पादरी और अभिजात वर्ग पे लगाता था। है पादरी और अभिजात पे तो नहीं लगता था भाई, ये पादरी और अभिजात पे तो नहीं लगता था, ये लगता था स्वतंत्र किसानों पे। स्वतंत्र जो किसान होते थे ना मेरे भाई, स्वतंत्र किसानों पे लगता था, ये इससे तो मुक्त थे पादरी और अभिजात, मतलब जो थे वो मुक्त थे। ठीक है, राजा लगाता था लेकिन किसानों पे लगाता था प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट कर लगता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ पहला वाला सही है भाई, पहला वाला सही है, केवल कथन फर्स्ट सही है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भिक्षुओं के वे समूह जो मठों में नहीं रहते थे कहलाते थे। तो जो मठों में रहते नहीं थे, मठों के बाहर घुमक्कर टाइप के होते थे, उनको फ्रायर भिक्षु कहा जाता था, फ्रायर फ्रायर भिक्षु। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो भाई ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं बच्चों, क्या दे रखा है, मंगोल कबीले के सरदारों की सभा को क्या कहा जाता था, क्या कहते थे मंगोल कबीले के सरदारों को, तो कुरिलता ही कहा जाता था, है ना। जो सरदार थे सारे एक साथ इकट्ठे होते थे और उनकी जो सभा बुलाई जाती थी उसको कुरिलता ही कहा जाता था, इसी ने मान्यता दिया था। चंगेज खान को महान खान की उपाधि यहीं से मिला था, आप सभी को मालूम होगा ये बात। चलिए जी खत्म। तो अब 21 एमसीक्यू खत्म कर दिया हमने, सबसे ज्यादा टाइम इसी को सॉल्व करवाने में लगता है। अब 21 में से कितने सही करे हो मेरे बाबू, मेरे सोना, बता देना कमेंट में, है ना, कमेंट में बताना। ठीक है, कितने सही हुआ है तुम्हारा एमसीक्यू, और कितने तुम पानी में हो, क्या ऊपर तैर रहे हो या बिल्कुल डूबने वाले हो पानी में, कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो अब हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो 3 नंबर के क्वेश्चन को कैसे करना है, तो डायरेक्ट आप 3 नंबर में ना पॉइंट्स वगैरह लिखोगे तो कम से कम 4 से 5 पॉइंट लिखना है। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट एक जरूर देना, एक एक्स्ट्रा पॉइंट जरूर देना, ताकि कोई पॉइंट आपका गलत हो जाता है तो उसका नंबर आपको मिल जाए। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि जितना आता है उतना आप उसमें लिखो, 5-6 पॉइंट आप जरूर दो। ठीक है, तब जाके आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। देखो पहला क्या है, इराक भौगोलिक विविधताओं का देश है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखो सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए, सारे टॉपिक कराए हुए, इराक जो है भौगोलिक विविधताओं का देश है, क्योंकि इसके अलग अलग हिस्से की अलग अलग विशेषताएं थी, है ना। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे घास के मैदान थे, झरने थे, इसके उत्तर भाग में इसके बीच घास के मैदान थे, पूर्वी भाग में दजला की नदी बहती थी, दक्षिणी भाग रेगिस्तानी था लेकिन यहाँ पे फरात और दजला नदी बहती थी, अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती थी। ये सारी चीजें आपको लिखना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, मेसोपोटामियाई यायावर समुदाय के बारे में लिखिए, यायावर मेसोपोटामिया के जो घुमक्कड़ जो यायावर लोग थे, जो खानाबदोश लोग थे, खानाबदोश है ना, खानाबदोश जो कि चारे की तलाश में घूमते रहते थे, उनको हम यायावर बोलते हैं।
तो उनके बारे में आपको बताना है, वो शहरी जीवन के लिए कैसे खतरा उत्पन्न करते थे और शहरी जीवन के लिए क्या फायदेमंद थी, है ना, वो सारी चीजें आपको इसमें बतानी है दूसरे वाले में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है कि रोमन साम्राज्य के निम्न वर्ग जिसे सामूहिक रूप से हिमली ओरिस कहा जाता है के विषय में संक्षिप्त में लिखिए। जो रोमन साम्राज्य का जो निम्न वर्ग था, निम्न वर्ग में कौन आते थे, कृषक आते थे, ठीक है जी, दास आते थे, गुलाम आते थे, गुलाम, ठीक है जी, है ना, श्रमिक, जितने भी श्रमिक है ये सब आते थे। तो इनके बारे में लिखना है कि भाई इनकी जिंदगी बस से बदतर थी, है ना, सबसे ज्यादा टैक्स इन्हीं से लिया जाता था। गुलामों की बात कर लो, गुलामों को तो भाई बिल्कुल मतलब जैसा चाहे वैसा उनके साथ व्यवहार कर सकते थे, ठीक है। तो और ऊपर के जो दोनों वर्ग थे, आपको पता है कि जो उच्च वर्ग है और मध्य वर्ग है वो भ्रष्टाचार करके बहुत पैसे कमाते थे, बहुत पैसा, अमीर थे वो सारे इनका शोषण करते थे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, इनके बारे में आपको बताना था, है ना। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 दे रखा है कि चंगेज खान की विधि संहिता क्या थी। तो चंगेज खान की विधि संहिता को हम क्या बोलते हैं, यास बोलते हैं। यास के बारे में आपको पूरा इसमें लिखना है कि ये चंगेज खान के द्वारा बनाए गए नियम संहिता थी और इसको चंगेज खान के मरने के बाद भी उसके जो उत्तराधिकारी वगैरह थे उन्होंने इसको बना के रखा था, है ना, और इसी के माध्यम से सारे फैसले चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारी वगैरह ले रहे थे, यास, ठीक है। तो यास के बारे में पूरे तरीके से आपको यहाँ पे बताना था। अगला जो 25वें क्वेश्चन की चंगेज खान की हरकारा पद्धति का उल्लेख कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो चंगेज खान वाले से तो भाई 3 नंबर वाले ही 2 क्वेश्चन आ गए, यानी कि 6 नंबर का तो यहीं पे आपको देखने को मिल रहा है ना। तो चंगेज खान की हरकारा पद्धति के बारे में आपको बताना है, जिसमें घोड़ों के माध्यम से किस तरीके से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। इसके लिए निश्चित दूरी पे क्या बनाई जाती थी, चौकियां बनाई जाती थी। इधर से मान लो एक घुड़सवार भागना स्टार्ट किया, फिर इधर से एक नया घुड़सवार भागना स्टार्ट करेगा, फिर इधर से एक नया घुड़सवार, ऐसे ऐसे करके मतलब सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे। और सभी लोग वहां के इस हरकारा पद्धति को बेहतर बनाने के लिए चंगेज खान ने एक कर भी लगाया लोगों के ऊपर, जिसको कुबकुर है ना, कुबकुर कर कहा जाता था, ठीक है। तो ये जानवरों मतलब हर एक व्यक्ति को अपने जानवरों का 10 में से 1 हिस्सा टैक्स के तौर पे देना होता था, जिसको हम कुबकुर कर कहते हैं, ठीक है जी। तो इसके बारे में भी आप लिख सकते थे। देखो 26वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, 26वां क्वेश्चन क्या है कि यूरोप की आर्थिक संरचना का आधार क्या था, इसकी कुछ विशेषता बताइए। यूरोप की आर्थिक संरचना के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, है ना, मतलब कि यहाँ पे लोग क्या काम करते थे यूरोप के लोग, कृषि व्यवस्था के बारे में आप बता सकते हो, कृषि में कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूरोप के लोगों ने अपना रखा था, ठीक है। 11वीं सदी की जो कृषि प्रौद्योगिकी थी वहां की, 11वीं सदी में जो कृषि प्रौद्योगिकी उन्होंने अपनाया था खास करके, उसके बारे में आप बता सकते हो, जैसे कि लोहे के जो फाल वाले हल है उसका इस्तेमाल किया जाने लग गया था, है ना, लोग इसके माध्यम से। इसके अलावा लोहे के नाल का इस्तेमाल करते थे, नाल का इस्तेमाल जानवरों के खुर की रक्षा के लिए नाल का इस्तेमाल होने लगा था, ठीक है। तो ये आर्थिक विशेषता में बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो जिसका संबंध भी आर्थिक चीजों से है लिख सकते हो। ये बनाने वाला क्वेश्चन है भाई, रटने वाला क्वेश्चन नहीं था, इसका आंसर बनेगा, बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, यूरोप में कैथेड्रल किस प्रकार बनाए जाते थे। यहाँ पे कैथेड्रल जो है आपको पता है, कैथेड्रल क्या है, एक प्रकार का चर्च है, ठीक है। कैथेड्रल क्या है, एक प्रकार का चर्च है। तो किस तरीके से इस चर्च को बनाया जाता था उसके बारे में बताना है कि भाई कैथेड्रल जो है वो लोगों द्वारा जो दान दिया जाता था ना, उस दान से इस चर्च को बनाया गया था, है ना। और इसपे मतलब इस तरीके से इसका निर्माण किया गया था कि अंदर अगर भिक्षु गाना गा रहे हैं तो आवाज साफ सुथरी सुनाई दे सभी को, है ना। इसमें यहाँ पे एक घंटी लगा होता था ताकि लोगों को प्रार्थना के लिए घंटी के लिए बुलाया जा सके। इस पे ऐसे कांच वगैरह इस्तेमाल किए गए थे जिसपे सूरज की रोशनी पड़ती थी तो एक अलग ही चमक मतलब देखने को मिलती थी। ये सारी चीजें इसमें आपको लिखना था, ठीक है। अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि यूरोप में जो चौथा वर्ग था वो किस प्रकार से अस्तित्व में आया था, चौथे वर्ग के बारे में आपको बताना है। तो यूरोप के हमने 3 वर्ग की बात किया है ना, हमने तो भाई सिर्फ 3 वर्ग के बारे में पढ़ा है, ठीक है। 3 वर्ग में सबसे पहले नंबर पे पादरी है, उसके बाद दूसरे नंबर पे अभिजात है, ठीक है, अभिजात है, और तीसरे नंबर पे क्या थे हमारे, कृषक थे,
ठीक है, ये चौथा वर्ग कहां से आ गया भैया, चौथा वर्ग कहां से आ गया, तो जब नगरों का विकास हुआ ना, नगर नगर विकसित होने लगे, तो हुआ क्या कि लोगों की जरूरतें बढ़ने लग गई, जैसे कि वकीलों की, डॉक्टरों की, है ना, तो इस तरीके से क्या हुआ, या दूसरे और काम करने वालों की, तो इस तरीके से इन्हीं लोगों को जो शहर में जो नए नए लोगों की जरूरत हुई, उन्हीं लोगों को मिला के, पढ़े लिखे लोगों को मिला के, या फिर जो वकील है, जज है ना, और दूसरे जो पोस्टमास्टर वगैरह है, उन सबको मिला के ही एक नया वर्ग बना, जिसको हमने चौथा वर्ग कह दिया। तो इस तरीके से चौथे वर्ग को अस्तित्व में लाया गया, है ना। तो ये आप सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया है कि किस क्वेश्चन में आपको क्या आंसर करना था। देखो अब हम 8 नंबर वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भाई आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें ना 300 से लेके 350 शब्द में करने होते हैं। तो भैया कैसे करेंगे, क्या एक फॉर्मेट होगा ये बता दो पहले। देखो कोई भी अगर 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन को आप करोगे, तो सबसे पहले एक आपको क्या देना होगा, एक भूमिका देना होगा, ठीक है। अब भैया ये भूमिका क्या होता है, भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना जिसको हम बोलते हैं। प्रस्तावना में आप क्या करते हो, क्वेश्चन को समझाते हो कि आप आखिर क्या बताने जा रहे हो, इस क्वेश्चन में आप समझाने क्या जा रहे हो, उस क्वेश्चन के आसपास। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारा दे रखा है कि मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास के विषय में विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो जब हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो थोड़ा सा मेसोपोटामिया के बारे में बता देंगे, फिर हम बताएंगे कि सबसे पहले मेसोपोटामिया से ही लेखन कला की शुरुआत हुई, है ना, 3200 ईसा पूर्व सबसे पुरानी पट्टिका मिली है, और वहां के लोगों ने मतलब सबसे पहले लिखने की कला की शुरुआत 3200 ईसा पूर्व के आसपास किया होगा। इस तरीके से आप 3-4 लाइन का क्या कर सकते हो, एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, थोड़ा सा मेसोपोटामिया का मतलब बता दो, ये कहाँ पे है ये बता दो, मतलब अलग जो आप आंसर है ना उससे थोड़ा सा अलग हटके भी इंट्रोडक्शन में चीजें आप डाल सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा डाल सकते हो, आसपास की चीजें भी डाल सकते हो, लेकिन भूमिका में आपको यही कोशिश करना है कि आप आंसर में क्या बताने जा रहे हो आगे, उसके बारे में थोड़ा सा आप लिखो, 2-4 लाइन लिखो, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर हमारा मेन आंसर होता है ना, वो हमारा मेन आंसर जो भी होगा वो लिखेंगे, लेंथी आंसर लिखेंगे। अगर आप शॉर्ट पॉइंट लिख रहे हो, शॉर्ट पॉइंट लिख रहे हो तो बहुत सारे पॉइंट लिखो, अगर आप हेडिंग बना रहे हो तो कम से कम 7-8 हेडिंग बनाओ, 8 हेडिंग, भाई 8 नंबर का है तो 8 हेडिंग बना के उन हेडिंग को एक्सप्लेन भी करो, ठीक है, तब जाके आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। और लास्ट में एक निष्कर्ष लिखो, ठीक है, एक निष्कर्ष। देखो हमारे जो नोट्स है रोशन शाह स्टडी पॉइंट के, नोट्स की खासियत क्या है कि अगर कोई 3 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें कितना आंसर लिखना है उतना ही हमने डाला है, 8 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो उसमें 8 नंबर लाइक ही हमने आंसर लिखा है। अगर उस नोट्स को आप पढ़ते हो तो आप 8 मार्क्स वाले में ही पूरे नंबर और 3 मार्क्स वाले में ही पूरे नंबर ले लोगे, ठीक है। कुछ नोट्स हमारे पेड है जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, पुराने वैसे नए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक नहीं डाला है, और बाकी बहुत सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। जैसे कि पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, 25 क्वेश्चन आंसर की मैंने जो दे रखा है, फ्री में आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लो और उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लो, प्रॉपर आंसर दे रखे हैं, उतना आंसर अगर आप लिख के आओगे ना, नंबर एक भी नहीं कटेगा, एक भी नंबर टीचर आपका नहीं काट सकता। चलो आप थोड़ा थोड़ा मैं आपको हिंट देता हूँ सारे क्वेश्चन में, किस क्वेश्चन में क्या आंसर करना है। देखो 28वां, सबसे पहले 28वें क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों। 28वां क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास के विषय में विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। बहुत लंबा आंसर हम बना सकते हैं, बहुत अच्छा आंसर बता सकते हैं कि किस तरीके से मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास हुआ था। तो सबसे पहले लेखन कला की जरूरत हिसाब किताब रखने के लिए हुई होगी। मेसोपोटामिया के लोग चिकनी मिट्टी की पट्टिकाओं पे लिखते थे, पट्टिका कैसे बनाते थे, किस तरीके से बनाते थे, किस तरीके से कलाकार लिपि लिपि के माध्यम से लेखन कार्य करते थे, पूरी जानकारी आपको देनी है। और अंत में आपको बताना है कि लेखन कला जो है उसका इस्तेमाल वो किस किस काम के लिए करते थे वो बता दोगे, और लास्ट में एक निष्कर्ष डाल दोगे, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, और हलवा क्वेश्चन है, एकदम हलवा रटा रटा है आंसर आप सभी के पास होगा कि मेसोपोटामिया सभ्यता की विश्व को क्या देन है, मतलब क्या दिया है दुनिया को इन्होंने, लेखन कला, शहरी जीवन, गणित के सिद्धांत, खगोल विद्या, है ना, शहरी जीवन, ठीक है, व्यापार की शुरुआत, ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, बहुत बढ़िया आंसर बनेगा और पूरे नंबर फ्री के है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, रोमन साम्राज्य के आधारभूत लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपको रोमन समाज की जो भी विशेषताएं हैं सब कुछ डालना है, सब कुछ डालना है जो भी आप जानते हो। मैं तो कहता भाई अभी लक्षण पूछा है ना साम्राज्य सब रोमन सभ्यता के आधारभूत लक्षणों के बारे में, वहां के समाज के बारे में लेके, समाज से लेके वहां की आर्थिक विशेषताओं से लेके, दास व्यवस्था से लेके, वहां के सामाजिक वर्गों से लेके, सब डाल सकते हो, सब कुछ आंसर बनेगा, पूरा चैप्टर ही इसका आंसर है,
ठीक है, पूरा चैप्टर ही इसका आंसर है। अथवा में देखो क्या दे रखा है कि रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, रोमन समाज की सामाजिक श्रेणी के बारे में आपको बताना है। सामाजिक श्रेणी में आप सभी को पता है कि जब हम पूर्ववर्ती काल की बात करते हैं तो रोमन समाज जो था वो तीन वर्गों में बटा हुआ था, उच्च वर्ग, है ना जी, उच्च वर्ग, उसके बाद मध्य वर्ग, मध्यम वर्ग बोल देंगे, ठीक है, और निम्न वर्ग। निम्न वर्ग इन्हीं के बारे में आपको बताना था, इसी वर्ग के बारे में बताना था, ठीक है जी। ये तीनों वर्ग के बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और इनको डिफाइन करेंगे लास्ट में, इनकी क्या भूमिका। इसके अलावा हाँ, परवर्ती काल में भी जो कुछ वर्ग थे उसके बारे में भी लिख सकते हो, जैसे कि सबसे पहले नंबर पे आता था सम्राट, ठीक है, सम्राट, उसके बाद आपका आता था सेनेट, उसके बाद सेना। वैसे तो ये तीन प्रमुख खिलाड़ी थे, लेकिन इसको हम एक वर्ग के तौर पे भी देख सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी आप लिख सकते हो, इसमें ये भी आंसर आपका बन सकता है, लेकिन ये मेन आंसर है। और इनकी क्या स्थिति थी तीनों वर्ग की, इनकी स्थिति के बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है, आगे आ जाओ। देखो अब पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है, तो पैराग्राफ को मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से सॉल्व करो, ये आप सभी के लिए होमवर्क है। ये पेपर आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे भी जाके आप इस चैनल मतलब इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हो और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ, अब जरा हम मैप की बात कर लेते हैं। देखिए जी, मैप में आपको सबसे पहले ये मेसोपोटामिया का मैप देखने को मिलेगा, और मेसोपोटामिया के मैप में आपको तीन लोकेशन, देखो लोकेशन सी इधर है, लोकेशन बी इधर है, और लोकेशन ए इधर है। अभी मैंने आपको मैप की वीडियो प्रोवाइड कराया था, तो उसमें भी आपको ये सारे मैप मैंने करवा रखे हैं। सबसे पहले ये नीचे से आपको पता है कि नीचे यहाँ पे हमारा उर आना है, उसके बाद यहाँ पे हमारा उरुक आना है, है ना, उरुक, और जो ये वाला लोकेशन आपको दे रखा है ये बेबीलोन का दे रखा है, लोन, लोन लिखेंगे भाई, ठीक है, ये हमारा बेबीलोन है। तो ये तीन लोकेशन बिल्कुल आसान था, फ्री के नंबर और उरुक बेबीलोन, है ना। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ये हमारा मंगोल एम्पायर का मैप है, ठीक है, मंगोल एम्पायर का मैप है। इसमें आपको एक कोई दो लोकेशन आपको क्या करना है, यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा भर रखा है, बच्चे ने भरा है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रखा है, मैं बता देता हूं। सबसे ऊपर आपका इस जगह पे ये वाला बुखारा का लोकेशन है, बुखारा, ठीक है, ये बुखारा है। बुखारा के नीचे थोड़ा सा आओगे, यहाँ पे आपको समरकंद देखने को मिलेगा, समरकंद, ठीक है, समरकंद हमने दिखा दिया। समरकंद के थोड़ा सा और इस तरफ नीचे आओगे ना, तो आपको हेरात देखने को मिलेगा, हेरात, हेरात, ठीक है। तो ये तीन लोकेशन है। आपको पता है कि मैंने जब इस मैप को आपको कराया था ना, मैंने बोला था कि भाई सबसे ज्यादा घिचपिच इधर ही होगा, सबसे ज्यादा घिचपिच हो जाएगा, घिचपिच कर दोगे मतलब। लेकिन ये तीन लोकेशन इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से तीन लोकेशन आप इंपॉर्टेंट समझ लो, है ना। इधर लिखेंगे बुखारा, बुखारा के नीचे समरकंद, और इसके और नीचे आ जाएंगे हेरात। इस तरीके से आपके तीन लोकेशन बनते हैं, त्रिभुजा बना लो और ऐसे कर लेना भाई यहाँ पे, ठीक है, ये तीन लोकेशन आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये आपका मैप था। उम्मीद करता हूं ये जो आज का पेपर है आप सभी को समझ में आ गया होगा, जो भी मैंने चीज आपको बताया है समझ में आया होगा एकदम भाई। अब देखो, अब आपको क्या चाहिए, आपको एमसीक्यू की वीडियो चाहिए, और एक और पेपर हो सकता है, एक और पेपर लेके आऊं, एक और सैंपल पेपर, एग्जाम से पहले एक और सैंपल पेपर डाल दूं। इसके लिए कमेंट बॉक्स में आकर के आप सभी को ज्यादा से ज्यादा कमेंट डालना है कि हाँ रोशन भैया, एक सैंपल पेपर और एमसीक्यू जल्दी से जल्दी लाओ, ताकि हम लोग एग्जाम में बिल्कुल तबाही मचा दे आपके बदौलत, आपके वीडियोस के बदौलत, ठीक है जी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।